Hello guys, welcome back to my channel. I hope all are doing well. So as you can see, aaj ka video hai beautiful neck piece with earrings. You can wear it with a red sari or red suit something. So yahan pe maine pearl green paint se highlight kiya hai. Aap koi bhi color use kar sakte ho. So yahan pe maine use kiya hai homemade air dry clay aur cold porcelain clay. यहाँ पर प्लेन क्ले में मैंने रेड एक्रेलिक कलर मिक्स किया है. मेक श्योर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें. यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था इसलिए मैंने और थोड़ा सा कलर लिया है. मिक्स करते वक्त थोड़ा सा मैसी हो जाएगा. ऑलराइट गाइस, मेरा क्ले रेडी है. कितना रेड है. ओके, थोड़ा सा मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया है ताकि ये हाथों पर ना चिपके. तो अब हम बनाएंगे रोज पेटल्स. इसलिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ले स्मॉल बॉल्स बनाते हुए यहाँ पर पेटल्स बनाएंगे. मैंने यहाँ पर पेटल्स को रखने के लिए स्पॉन्ज यूज किया है. आप कोई भी कॉटन का क्लोथ यूज कर सकते हो. अगर मैं पेटल नीचे रखूंगी तो वो चिपक सकता है इसलिए मैंने इस पे रखा है. गाइस, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. सो नाउ पेटल्स आर रेडी. तो यहाँ पर हम रोज बनाएंगे. तो यहाँ पर वन बाय वन मैं अटैच कर दी जाऊंगी. एज यू कैन सी इट्स रियली इजी टू मेक इट. जैसे वीडियो में दिखाया गया है वैसे आप वन बाय वन अटैच करते जाएगा. यहाँ पर कोई भी स्पेशल ट्रिक नहीं है. अगर आप और बड़ा रोज बनाना चाहते हो तो और पेटल्स ऐड कर सकते हो. मैं यहाँ पर रोज को थोड़ा सा नेचुरल लुक देने की कोशिश कर रही हूँ. रोज इज रेडी. यहाँ पर मैं जो नीचे का हिस्सा है, जो एक्सेस क्ले, उसे मैं काट रही हूँ ताकि मुझे नीचे फ्लैट मिल जाए और नेकलेस बनाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो यहाँ पर मैं स्मॉल रोज बना रही हूँ फॉर इयररिंग्स. तो मैं सेम प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ. मेक श्योर गाइज रोजेस ड्राई हों. अगर आप फ्रेश रोजेस बना के इमीडिएट नेकलेस बनाएंगे तो मेस हो सकता है. मैंने और एक रोज वैसे ही रेडी करा है. यहाँ पर रोजेस बिल्कुल ड्राई हैं. नेकलेस का हुक बनाने के लिए ये वायर लिया है मैंने. थोड़ा सा फ्रेश क्ले ताकि अच्छी तरह से चिपके. थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर रही हूँ. मैं अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि हुक और फ्लावर को अच्छी तरह से एक बॉन्डिंग मिल जाए. सेम थिंग अभी इयररिंग के साथ भी करना है.
अभी इसे बिल्कुल ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। नाउ इट्स टोटली ड्राई। यहाँ पर हाइलाइटिंग के लिए मैंने पर्ल ग्रीन एक्रेलिक कलर यूज करा है। आप कोई भी आपके पसंद का कलर यूज कर सकते हो। यू कैन यूज गोल्ड, यू कैन यूज सिल्वर कलर। मुझे थोड़ा डिफरेंट लुक चाहिए तो इसलिए मैंने पर्ल ग्रीन यूज किया है। ईयररिंग्स को भी हाईलाइट करना है। ऐसे हुक्स नॉर्मली मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर पर्ल नेकलेस के साथ अटैच किया है। ओके गाइस, एज यू कैन सी इट्स रेडी नाउ। कितना प्रिटी और क्यूट लग रहा है। इसे कोई भी स्मॉल फंक्शंस में आप पहन सकते हो। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्रिएटिव वीडियोस। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।